मेडिकल एसोसिएशन ने आईपी एस्टेट स्थित अपने हेडक्वार्टर में पहला मेडिकल स्टोर खोल दिया है। इस स्टोर में आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली 118 जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। ये जेनेरिक दवाएं ओपन मार्केट रेट के मुकाबले 80 से 90% कम कीमत पर मिलेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आम जनता के लिए जेनेरिक दवाइयों का एक नया स्टोर शुरू किया है, जिसमें मार्केट रेट की तुलना में 80 से 90% सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। आईपी स्टेट स्थित आईएमए के हेडक्वार्टर में खुला ये दिल्ली का पांचवा स्टोर है, जहां 118 किस्म की दवाइयां उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर दवाइयां ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और शुगर के लिए हैं। कि ये दवाई अच्छी है और उसी क्वालिटी की है जिस दवाई और जिस क्वालिटी की ब्रांडेड और महंगी दवाइयां हैं। दवाई की प्राइसिंग महंगी और सस्ती क्वालिटी से नहीं आप पहचान सकते कि अगर एक दवाई 100 रुपए की और एक दवाई 10 रुपए की है तो उसकी क्वालिटी में कोई खराबी है। ये स्टोर सोमवार से रविवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहेगा। एक कुशल फार्मासिस्ट न केवल मरीजों को दवाएं देगा बल्कि एक दवा से दूसरी दवा के अंतर के बारे में भी बताएगा। दवा खाने के तरीके और डोज के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा। शुगर, हार्ट और ब्लड प्रेशर लोगों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और यही वजह है कि आईएमए ने ज्यादातर इन्हीं दवाइयों का स्टॉक रखा है। जेनेरिक स्टोर में मिलने वाली सबसे कॉमन दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर के लिए एम्लोडिपाइन 5 mg। ओपन मार्केट में इसकी 10 गोलियों की कीमत 20 रुपए है, जबकि जेनेरिक स्टोर में 3 रुपए में। शुगर पेशेंट्स के लिए ग्लिम्पराइड 2 mg की 10 गोलियां बाजार में 65 रुपए में मिलती हैं, जबकि जेनेरिक स्टोर में ये 3 रुपए में उपलब्ध है। इसी प्रकार दिल की बीमारियों के रोगियों के लिए रेमिप्रिल 5 mg की 10 गोलियां बाजार में 80 रुपए में मिलती हैं, जबकि जेनेरिक स्टोर में ये दवाइयां 7 रुपए में मिल जाएगी। राजधानी में इससे पहले शास्त्री भवन, दिलशाद गार्डन, दीनदयाल अस्पताल और मोती नगर में जेनेरिक स्टोर बनाए गए हैं। आईएमए का दावा है कि स्टोर में क्वालिटी, क्वांटिटी और सप्लाई में कोई रुकावट नहीं होगी। ये ग्लिम्पराइड है, ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। ये हम लोग यहाँ पर 2.69 की बेच रहे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 40 रुपीज़ है। इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन आती है, जो कि हम लोग 5 रुपीज़ की यहाँ बेच रहे हैं। इसकी भी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 60 रुपीज़ या 40 रुपीज़ है। आईएमए का मानना है कि आम लोगों को सस्ती ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला लोगों का खर्च कम हो सके। जेनेरिक दवाइयों को लोगों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक पहल की, लेकिन इन सस्ती दवाइयों की महंगी दवाइयों जितनी कार्यक्षमता को लोगों की मानसिकता तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन शकील के साथ प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक।